दुनिया में किसी का डंका हर क्षेत्र में बज रहा तो वो है भारत। और अब रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में भारत के हथियार और आधुनिक उपकरण धूम मचा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से भारत ने डिफेंस सेक्टर में मचा डाला है धमाल। दरअसल बड़ी खबर आ रही है, अब देश में ही बनेंगे LCA मार्क टू और MCA लड़ाकू विमानों के इंजन। ये खबर आते ही दुनिया के उन देशों की नींद उड़ गई जो खुद को डिफेंस सेक्टर का मास्टर मानते हैं। बता दें कि LCA मार्क टू और इंडिजीनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MCA के पहले दो स्क्वाड्रन के इंजनों का प्रोडक्शन देश के अंदर ही किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने दी। चलिए अब जानते हैं क्या कहा DRDO चीफ ने। उन्होंने कहा कि LCA मार्क टू के इंजन और MCA के पहले दो स्क्वाड्रन का प्रोडक्शन अमेरिकी GE और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से देश के अंदर ही होगा। और तो और इसे लेकर अमेरिका ने भी हाँ कर दी और दे दी है सभी जरूरी मंजूरियां। बता दें कि अब HAL और US की GE देश में संयुक्त रूप से इन इंजनों का प्रोडक्शन करेंगे। आपको तो याद होगा 30 अगस्त को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने LCA मार्क टू लड़ाकू विमान के डेवलपमेंट को लेकर मंजूरी दी थी और इसी दौरान तय हो गया था कि भारतीय वायुसेना में मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। तो वही दूसरी तरफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो चीफ है गिरीश जी, उन्होंने बताया LCA मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भारत सरकार से मंजूरी मिली है। इससे डिजाइनर्स के लिए एडवांस 17.5 टन सिंगल इंजन विमान बनाने का रास्ता साफ होगा। नए एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट 2027 तक पूरा किया जाना है। सरकार से प्रोटोटाइप बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और जो पहला प्रोटोटाइप है वो साल भर के अंदर ही शुरू हो सकता है। और तो और फ्लाइंग ट्रायल्स और दूसरे कामों के बाद ये प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर DRDO का मानना है कि ये विमान एवियोनिक्स और क्षमताओं के मामले में राफेल कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में आएगा, हालांकि ये वजन में हल्का होगा। बता दें कि इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में अहम 2+2 बैठक हुई थी। बैठक में भारत का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री अजय शंकर ने किया था। वही अमेरिकी पक्ष की अगुवाई विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया था। मंत्रियों ने बैठक के दौरान भारत में GE F414 जेट इंजन के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच एक वाणिज्य समझौते के लिए बातचीत शुरू होने की सराहना की थी। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब जब भारत खुद बनाएगा देश में LCA मार्क टू और MCA लड़ाकू विमानों के इंजन, तो इससे डिफेंस फोर्स होगी और ताकतवर और छूटेंगे चीन पाकिस्तान के पसीने। आपका क्या कुछ कहना है भारत की इस जीत पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।